अस्सलाम वालेकुम। क्या है सर? ठीक ठाक। अच्छा, तो ये है आपका रोबोटिक लैब? एग्जैक्टली सर। अच्छा, ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल का आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है। अच्छा, और दीज आर फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स। सही। वन इज एब्सेंट, मुस्तफा। अच्छा, तो आप मुझे मतलब ये अब बच्चे जो लगे हुए हैं ना अपने काम में, तो जी उसके बारे में आप ज़रा मुझे ब्रीफ करें। सर, ये हमारा रोबोटिक्स लैब है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली तीन तरह के काम सीखते हैं। अच्छा, नंबर वन ये डिज़ाइनिंग सीखते हैं, नंबर टू दे लर्न कोडिंग, हाउ टू कोड द रोबोट्स, एंड नंबर थ्री दे लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, सो व्हेन दे कंबाइन देम टुगेदर तो उनसे इनका एक रोबोट बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी आ जाए सर, आ जाए। अच्छा, आ जाए। तो रायान, ईसा एंड सुमे, अच्छा, दे आर बिजी इन देयर वर्क। इनको मसले भी आते हैं और कुछ हेल्प मैं करता हूँ इनकी। अच्छा, लेकिन ये सॉल्व कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, अभी जो ये रायान जो कर रहे हैं ना, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं या मैं रायान से पूछूं? रायान, आप रायान से पूछिए सर। अच्छा रायान, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई एम मेकिंग अ लाइफ फॉरवर्ड फ्रॉम दिस रोबोट। ओके, थोड़ा आप अगर आप डिटेल से बताएंगे मुझे। व्हेन आई क्लिक द सेलेक्ट बटन और सेंड अ मैसेज, इट स्टार्ट्स रनिंग। जबरदस्त। अच्छा, और ये लैपटॉप से आप क्या कर रहे हैं? कोड, इसका कोड, मतलब कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो आप इसको थोड़ा मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि ये कोडिंग आप कैसे करते हैं? बस जैसे ऐसे ब्लॉक्स लेता हूँ ऐसे। अच्छा, और फिर इधर ऐसे रखता हूँ। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप जब मतलब इधर रोबोटिक क्लास आप नहीं लेते थे, तो आपको कुछ आइडिया था इसके बारे में या जासिर साहब ने आप सब आपको ये सब टीच किया है? नहीं, मुझे नहीं था। मतलब कुछ भी आपको, क्योंकि मैंने देखा है ना कि बड़ा ज़बरदस्त आपके जो ये देखें, आप आरसी कार को आप जैसे वो कर रहे हैं, आपने बनाया है इसको, और जो कोडिंग कर रहे हैं, तो ये मतलब इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, ये है ईसा। ईसा, व्हाट आर यू डूइंग? आई वाज फिक्सिंग माय कोड। ओह, यू आर फिक्सिंग योर कोड? आई फिक्स्ड इट। हाँ, फिक्स्ड इट। ओके, तो आप मुझे, अच्छा आप ये जो आरसी कार, इसको आरसी कार कहते हैं ना? Yes. तो आपने इसको बनाया है? Yes. और कोडिंग भी आपने इसकी की है? हाँ. तो थोड़ा आप मुझे समझा सकते हैं मतलब कि आप कोडिंग किस चीज़ के लिए करते हैं? आर्डिनो के लिए। ये आर्डिनो है। अच्छा, ये और जी. ये ब्लूटूथ है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब ब्लूटूथ में, तो ये कोडिंग फिर किस चीज़ के लिए आप करते हैं? आर्डिनो से सब कंट्रोल इसमें आता है, मोटर। यू कैन स्पीक इंग्लिश? ओके, it comes in this motor driver, so this motor driver is connected into these four motors. So if I give this a command like this code, then I only need Dable, then you can connect Dable, it's in our phones. It connects to this, so then it has these like up, down, left and right buttons for moving. And they have this special thing, you can't just make this turn like this, you have to do it like this or like this. अच्छा, ये कनेक्ट किस के, रिमोट के साथ कनेक्ट है ये? No, या फोन के साथ कनेक्ट है? ब्लूटूथ, वे ब्लूटूथ? Yes. अच्छा अच्छा, तो ये रिमोट के साथ ये कनेक्ट नहीं हो सकता? No, but it can, but it's like फिलहाल जो है ना ये उसके साथ। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा जासिर साहब, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में मुझे बताएं कि थोड़ा ब्रीफ करें। अच्छा सर, हमारे पास यहाँ में रोबोटिक्स लैब में हमारे पास वो सब कुछ है जो स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, स्टूडेंट लेवल के लिए उनको जो कंपोनेंट चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ हार्डवेयर अवेलेबल हैं, हर किस्म के वो सेंसर जो स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहते हैं हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा कटर्स, स्क्रू ड्राइवर्स और बहुत से मैकेनिकल इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो जब हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत होती है तो वी यूज़ दिस, दिस इज़ यूज फॉर सोल्डरिंग। सिमिलरली वी यूज़ अ लॉट ऑफ ग्लू गन एंड राइट नाउ कुमेल, व्हाट्स गोइंग ऑन? रोबोट चार्ज करो। अच्छा रोबोट, अच्छा इस ये चार्जिंग पर काम करता है जी? ठीक ठीक, तो इसकी बैटरी, बैटरीज मुझे नज़र नहीं आ रही है इसकी। लियो बैटरी? हाँ, लियो बैटरी। अच्छा नीचे है? अच्छा अच्छा, तो ये आरसी कार भी आपने खुद बनाया? जी खुद। अच्छा सर जासिर, मैं इधर एक और चीज़ देख रहा हूँ,
मुझे कोई रोबोट सिस्टम सा नजर आ रहा है, इसके बारे में मुझे बताएं और ये किसने बनाया है? ये एक वॉकिंग रोबोट है। अच्छा। और लाइक इट कैन चेंज, इट चेंजेस इट्स मूव्स बाय कोड, सो वी यूज देम फॉर द चिल्ड्रंस ताकि इनकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। अच्छा। और ये अपनी कोडिंग स्किल्स को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी आप जरा हमें डेमो इसका दे सकते हैं? Is there any code in this one? अच्छा, अभी ये क्या करेगा? आई थिंक इसको, इसके अगर आपने मूव चेंज करने होते हैं या इसको जंपिंग मोड में आना है, मून वॉक, इट्स रियली अ फनी रोबोट, सो यू कैन जस्ट डू इट बाय चेंजिंग द कोड। अच्छा, नाउ आई थिंक इट्स इन बैक मोशन। अच्छा, नहीं तो ये मतलब रिमोट से कनेक्ट नहीं हो सकता? नहीं, इसको आपने सिर्फ कोड करना होता है, ठीक है? अच्छा। और कोड में आपने इसको कमांड देनी होती है कि आप अब इस तरह करें या इस तरह करें। अच्छा। या अगर आपके सामने दीवार आए तो आप वापस मुड़ जाएं, तो इट कैन रिसीव अ लॉट ऑफ कमांड्स और इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स के उनके बेसिकली कोडिंग स्किल्स। अच्छा, और ये नहीं, अभी ये रोबोट बनाया इन स्टूडेंट्स ने? जी, द एक्सेप्ट द फ्रेम हमने लिया था, बाकी द वायरिंग। अच्छा। और सारी कोडिंग जो है वो फिर स्टूडेंट्स को खुद करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और बात ना, पहले हम सुनते थे ना, आप वीडियोज भी देखते थे कि बाहर ममालिक में रोबोटिक में बहुत तरक्की हो रही है ना, तो मैं भी कुछ, मुझे भी ये मतलब दिल में आता था कि यार हम पाकिस्तानी क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा पेचीदा काम है। तो अभी आप क्या देखते हैं कि इन बच्चों में वो आप देखते हैं टैलेंट, देखते हैं कि ये आगे जाकर कोई मतलब कोई यूनिक अचीवमेंट? 100% अभी इन स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, अगर इनका क्लास 7 और क्लास 6 से इनका माइंड इस चीज़ में बन जाए तो, एंड देन आई एम 100% श्योर कि ये फ्यूचर में बहुत कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपके जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कौन जो है मतलब आपको लगता है कि कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें स्टूडेंट है जो मतलब रोबोटिक में? या सर, रोबोटिक की एक खास बात है कि ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं आता। अच्छा। किसी स्टूडेंट को मसला आ भी जाता है तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता है, तो आई थिंक कि इसमें सारे इक्वल है, सारे इक्वल है। जी, एग्जैक्टली, सारे इक्वल है। और सारे इवन इनकी क्लास जो है 2:30 स्टार्ट होती है, लेकिन ये यहाँ पे 2:15 पे आ चुके होते हैं पहले से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, बहुत। सही सही। अच्छा, इधर जो मतलब स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी मतलब इंटरेस्ट तो ले रही है ना बहुत? सर, स्कूल हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, और टीचर्स को भी सपोर्ट कर रही है, स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें 100% सपोर्ट मिल रहा है सर। अच्छा, मैंने एक देखा है ना, क्योंकि मैं सर्चिंग बहुत करता हूँ जी, तो मैंने देखा कि कम अज़ कम पेशावर के स्कूल्स में मैंने रोबोटिक कोई क्लासेस नहीं देखी। इट्स ट्रू सर, अब पेशावर में बल्कि आई वुड से कि पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। अभी वो माहौल नहीं बना। अच्छा। इस किस्म के एजुकेशन का। अच्छा। बट वी होप कि हमने एक ब्लूमफील्ड होल स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक एग्जामिनेबल एक नॉर्मल सब्जेक्ट बन जाए। नहीं तो ये आप समझते हैं कि स्टेप पहले ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल पेशावर ने लिया है? एग्जैक्टली सर, ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल पेशावर का वो पहला इंस्टीट्यूट, पहला स्कूल है जिन्होंने ये स्टेप लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आगे भी बढ़ा रही है, सपोर्ट भी कर रही है, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेगी। और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं? बस सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली पेरेंट्स से और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से कि इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि फ्यूचर इसका है। अगर हम स्टूडेंट्स को अभी से ट्रेन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो, वेलकम। Damaged? No. Chalo, hopefully. And is there any issue with the connectivity? No. But it's not working now. Okay, you can fix this. Try to check the wires. Sure. Hey, Kumail. Yes, sir. I think your battery is charged. Yes, sir. You can turn off the charger and
check the wall. This one goes. All right, Lisa, what about you? Have you solved it? Yes. Chalo, good. All right.